राजधानी दून में व्यापारियों के सब्र ने जवाब देना शुरू कर दिया है। 1 जून से आंशिक तौर पर बाजार खुलने की मांग कर रहे व्यापारियों ने दून उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले 8 घंटागर स्थित न्यू मार्केट में हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों की मांग है कि अब कोरोना कम हो रहा है, ऐसे में व्यापारियों के कारोबार खोले जाने चाहिए क्योंकि कारोबार बंद हुए काफी समय हो चुका है और अब व्यापारियों को आर्थिक रूप से बेहद परेशानी हो रही है। लिहाजा सरकार अब बाजार खुलवाए, कुछ आर्थिक राहत देने के साथ ही वैक्सीनेशन कराए। व्यापार मंडल महामंत्री ने कहा कि दुकानें बंद करके भी व्यापारियों ने सेवा अलग अलग तरीके से की है, जिसमें राशन भोजन बांटने से लेकर दवा व सैनिटाइजेशन का काम कराया गया है। इस समय रोजी रोटी के संकट से जूझ रहा है, कोरोना धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लगभग समाप्ति की ओर है, उसमें सभी ने सहयोग करा और सबसे अधिक सहयोग व्यापारी का ही रहा। हमारा ये प्रश्न था कि कोरोना व्यापारी ने नहीं फैलाया, कोरोना जो आया उसमें सबकी बराबर की जिम्मेवारी रही उसको बचाने की, तो खाली पीसने का टाइम व्यापारी को ही क्यों पीसा जा रहा है। जब व्यापारी अपना 40 दिन से व्यापार बंद रखा हुआ है, रोजी रोटी के संकट बढ़े हुए हैं, अगर 40 दिन की तनख्वाह किसी की रोक दी जाए तो क्या वो अपना लालन पालन कर सकता है? बिना तनख्वाह के लालन पालन नहीं हो सकता। तो इसी तरह 40 दिन से हमारी कमाईयां सारी बंद पड़ी हैं, हमारे रास्ते बंद पड़े हैं, हमारे व्यापारियों के कई व्यापारी साथी इस कोरोना काल के भेंट चढ़ गए हैं, कई व्यापारी साथी, तो उनके जो बीमारियों का बिल है, उनके खर्चों का बिल है, हम व्यापार नहीं खोलेंगे तो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से देंगे? हमारे सामने बहुत रोजी रोटी का संकट है, इसमें रोजी रोटी का संकट ना होता तो हम मजबूर ना होते अपनी बात कहने के लिए। हम मजबूर सिर्फ रोजी रोटी के संकट के कारण हुए कि घर में रोजी रोटी का संकट है, किसी की अगर तनख्वाह 2 दिन की भी ना मिले तो वो अपनी तनख्वाह नहीं छोड़ता। या तो 40 दिन से आपने हमारा व्यापार बंद करा हुआ है, हमारा व्यापार 40 दिन से बंद है। अब कोरोना काल धीरे धीरे थम गया है, तो कोरोना काल धीरे धीरे जो थम गया है, हमारे सबका करबद्ध निवेदन है कि सिस्टमेटिकली जिस तरह भी आप खोलना चाहें, धीरे धीरे हमें रोजगार खोलने की आज्ञा दें।